राधा स्वामी जी, आज मैं आपको एक बहुत ही सुंदर साखी सुनाने के लिए जा रही हूँ, जो महाराज चरण सिंह जी के समय की है। जो इस प्रकार है, एक बार एक सत्संगी सेवा करने के लिए व्यास आया हुआ था। 10 दिन की सेवा खत्म होने के बाद जब वो घर जाने वाला था, तो एक दिन पहले उसकी टांग टूट गई। वह काफ़ी दुखी हुआ और उसके मन में ख्याल आया कि 10 दिन आके सेवा की और उसके बदले में मेरी टांग टूट गई। मालिक तो सब जानते हैं, जब महाराज जी सत्संग को दर्शन देने के बाद अपनी कोठरी में जा रहे थे, तो रास्ते में उस भाई से मिले और उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, आज रात को भजन पर तुम ज़रूर बैठना। जब वह रात को भजन करने के लिए बैठा, तो महाराज जी उसकी सूरत ऊपर के मंडलों में ले गए और उसको दिखाया कि जिस बस में उसे वापस जाना था, उसका एक्सीडेंट हो गया और उस एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई थी। महाराज जी ने उसकी सूरत को उसकी डेड बॉडी भी दिखाई, क्योंकि यह सतगुरु की शरण में आया हुआ था। इसलिए महाराज जी ने उसके कर्म काट कर सिर्फ उसकी टांग ही टूटने दी। जब उसकी सूरत नीचे की ओर सिमटी, तो उसका रो रो कर बुरा हाल हो गया और उसने मालिक से अरदास की कि हे मालिक, बख्श दो बख्श दो। सार, सतगुरु पर हमें विश्वास होना चाहिए, वो हमारा बाल विवाह का नहीं होने देते और जो हमारे साथ होता है उसमें कहीं ना कहीं हमारा अच्छा ही होता है। इसलिए हमें सतगुरु पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए। राधा स्वामी जी।